नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। सनसनी ऑफ इंडिया में हम आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी सभी खबरें। आज हम आपको दिखा रहे हैं आदर्श गांव में बेटी पढ़ाओ अभियान किस तरीके से मजाक बनकर रह गया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं करनाल के एक प्राइमरी स्कूल की हालत। करनाल के इस आदर्श गांव के प्राइमरी स्कूल में छात्राएं जान जोखिम में डालकर पढ़ने आते हैं। यहां ना तो शौचालय की व्यवस्था है। यहां के एमपी अश्विनी कुमार चोपड़ा जी हैं। अश्विनी कुमार चोपड़ा जी को कौन नहीं जानता, ये एक अपना एक राष्ट्रीय अखबार भी निकालते हैं। इनका जो आदर्श गाँव है, जो इनका एक प्राइमरी स्कूल है, उसकी क्या हालत हो रही है। सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा जी के आदर्श गांव के प्राइमरी स्कूल में ना तो बिजली है, ना पंखे हैं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो ऐसे स्कूलों में कैसे पढ़ेंगी हमारी बेटियां। फिर भी प्रदेश सरकार कर रही है शिक्षा में नंबर वन होने का दावा। केंद्र और राज्य सरकार का बेटी पढ़ाओ अभियान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री के गढ़ करनाल में दम तोड़ रहा है। यहाँ खस्ता हाल इमारत में जान जोखिम में डालकर बेटे और बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अन्य सरकारी स्कूलों की बात क्या करें, करनाल लोकसभा सांसद अश्विनी चोपड़ा के आदर्श ग्राम मोहिउद्दीनपुर तक के प्राथमिक स्कूल में ना तो पर्याप्त खेल मैदान है और शौचालय भी केवल नाम भर का है। स्कूल में पीने का पानी भी मानकों पर खरा नहीं उतरता। सफाई और कमरों की हालत ये है कि जर्जर कमरों में ही बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। कहने को तो ये सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लेकिन इसके कमरे में ना बिजली है और ना ही पंखे। झुलसती गर्मी पड़े तो मास्टर जी बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे क्लास लगा लेते हैं। अगर आदर्श स्कूल में भी शिक्षा के यही हालात हैं, तो फिर किस नाम का शिक्षा अभियान और कहां के शिक्षा मंत्री। चाहिए तो ये था कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा स्कूलों का दौरा कर सरकारी स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं की जमीनी सच्चाई पता करते, लेकिन दौरा तो दूर की बात, शिक्षा मंत्री शिकायत करने पर भी इस पर कोई कार्यवाही कर दें तो गनीमत है। वहीं सांसद महोदय जिन्होंने बड़े जोश और खरोश के साथ इस गांव को गोद लिया था, उन्होंने कभी मुड़कर यहां के हालात समझने और उन्हें सुधारने की जहमत नहीं उठाई। जब सरकारी व्यवस्था और जनप्रतिनिधि ही धोखा दे जाए तो फिर आम जनता किससे गुहार लगाए। अब तो बस इंतजार है कि किसी की नजरें इनायत हो और गांव मोहिउद्दीनपुर के इस सरकारी स्कूल समेत हरियाणा के सभी सरकारी स्कूल बच्चों के पढ़ने लायक हो जाए। सांसद अश्विनी चोपड़ा ने गोद ले रखा है, पर हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल में पंखे कोई लाइट? हाँ, स्कूल में ना तो पंखे है, ना लाइट है, ना लाइट की व्यवस्था है। बरसात आती है तो यहाँ पर जोड़ होता है। यहाँ पर बरसात के मौसम में हमारे स्कूल में बच्चे आते नहीं है, सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। गर्मी में बहुत बुरा हालत है जी, बहुत ही। आप जाके देख सकते हो, पंखे नहीं है, लाइट सिस्टम नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी अभी थोड़ा एडजस्टमेंट किया था, वो भी ऐसे ही है। कल स्कूल में पढ़ाई भी नहीं है और ना ही पंखे वगैरह भी नहीं है, और पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। पंखे नहीं है, गर्मी में कैसे पढ़ते हैं बच्चे? ऐसे ही गर्मी में पढ़ते हैं और कोई सुधार नहीं है। गंदगी भी बहुत ज्यादा है। कौन सा गाँव है, किसने गोद लिया? यहाँ अश्विनी चोपड़ा ने गोद ले रखा है हमारे गाँव। क्या नाम है गाँव का? मोहिउद्दीनपुर। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के स्कूल के बारे में? उनको पंखे होने चाहिए, पंखे भी होने चाहिए और हमारा स्कूल भी 1200 करना चाहिए। आदर्श गांव मोहिउद्दीनपुर के लोगों से जब हमारी टीम ने गांव में पहुंचकर बात की तो उनका दर्द साफ तौर से उनकी जुबान पर आ गया और उन्होंने यहां के सरकारी स्कूल की सारी सच्चाई उजागर कर दी। ग्रामीण नीलम, अजय, स्कूल अध्यापक रामबीर और स्कूल की छात्राओं ने भी भविष्य की नींव कहे जाने वाले सरकारी स्कूल की असलियत बताते हुए कहा कि जरा सी बारिश में ही स्कूल जैसे तालाब बन जाता है।
करीब एक हफ्ता पहले ही आई बारिश का पानी अभी भी स्कूल परिसर में बने खड्डों में भरा पड़ा है, जिस पर बड़ी संख्या में मच्छर मंडरा रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी खस्ता हालत में है। वहीं स्कूल में चारों तरफ गंदगी के भी ढेर लगे पड़े हैं। वहीं डर के साए में बच्चे मजबूरन पढ़ने पर मजबूर हैं। बच्चों के परिजनों ने कहा कि कहने को तो ये सरकारी स्कूल है और सरकार ने इस गांव को आदर्श गांव का दर्जा भी दे रखा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इस गांव में आज तक कोई ईंट तक नहीं लगी। और तो और स्कूल में ना बिजली है और गर्मी से बचने को पंखे भी नदारद हैं। वे कई बार सरकार और प्रशासन के इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ झांकने तक नहीं आया। वहीं स्कूल के शिक्षक ने भी बताया कि उन्होंने इस बार में कई बार विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं आया। उन्होंने बताया कि गंदगी के कारण वातावरण प्रदूषित रहता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं खुद स्कूल हेड इंचार्ज क्या कह रहे हैं सुनिए। किसी भी क्लास में ना पंखा है और ना लाइट। स्कूल अपने जीपीएस मोहिदीनपुर, इसमें बच्चों की संख्या है 257, जिसमें 130 लड़की हैं, 127 लड़के हैं। तो सांसद साहब ने गोद लिया होगा गांव? हाँ जी, गांव को गोद लिया हुआ। क्या नाम है सांसद जी का? हमारे सांसद का नाम है श्री अश्विन चोपड़ा जी। तो आते हैं वो, कभी आए हैं? हाँ जी, उन्होंने 2-3 राउंड लगाए हैं यहाँ पे गाँव में आए हैं, जो गांव में स्टेडियम के भी अनाउंसमेंट किए हैं कि गांव में स्टेडियम आएगा, स्कूल में अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी आपको, गांव में जैसे सोलर सिस्टम है, कई ऐसी अनेक सुविधाएं हैं जो लेडीजों से संबंधित है, ब्यूटी पार्लर है, कई ऐसी चीजें हैं जो उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो 1.25 साल हो चुका है, मतलब अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। ये क्लासरूम है बच्चों का? हाँ जी। इसमें ना ही पंखा है, ना ही लाइट है, ना ही कुछ है, तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? सर, बच्चों जैसे गर्मी होती है तो हम बाहर पेड़ के नीचे लेके जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो क्लास, सभी क्लासों का ये हाल है, ना किसी में लाइट है, ना किसी में सफाई है। सभी क्लासों का ये हाल। तो क्या सरकार नहीं देती कुछ? हाँ सर, सरकार हमारे पास, हमारे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो पूरा सुविधा है, हमारे को सुविधा दें तो हम उसी के अनुसार कार्य करें। अब हमारे को एक छत का देखो, अभी पूरा जो हमारा स्कूल है, पूरे तीनों रूम है सारे टपक रहे हैं। लाइट और पंखे स्कूल में लगाए जाएं। नहीं है यहाँ पे, गर्मी लगती है। क्या कहोगे आप सांसद साहब को? जानते हो आप यहाँ आते हैं, उन्होंने गोद लिया हुआ गाँव। क्या कहोगे सरकार से? स्कूल में पंखे लाइट लगाई जाए। इन सभी हालातों को देखकर तो लगता है हरियाणा सरकार सोई पड़ी है। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। दोस्तों अब वक्त हो चला है सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरों का, तो देखते रहिए
सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरें। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो साल से फरार चल रहे लाखों रुपए के गबन के एक आरोपी बाबू को दबोच लिया है। जांच अधिकारी जगदीश सिंह ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत बाबू धर्म सिंह मीणा ने आज से दो वर्ष पहले विभाग के बाड़ी कार्यालय में कार्यरत 35 कर्मचारियों और अधिकारियों के भविष्य निधि खातों में से लगभग 27,80,000 रुपए की राशि का गबन किया था। गबन का मुख्य आरोपी दो साल से फरार चल रहा था, जिसको लेकर पीड़ित कर्मचारी और अधिकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग कर चुके थे। पुलिस ने गबन के मुख्य आरोपी बाबू धर्म सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ की जा रही है। धौलपुर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए संतोष राजपूत की रिपोर्ट। इसने विभाग के कर्मचारियों का GPF लोन फर्जी तरीके से उठाकर करीबन 25 लाख के आसपास इसने गबन किया था, जो 3 साल से 2013 से फरार चल रहा था। इसको तलाश कर मुखबिर की सूचना से गिरफ्तार किया, इसे तफ्तीश की जा रही है। सलारपुर में शिव प्रकाश नाम का युवक गांव में ही रहने वाली अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंच गया। वहां उसकी किसी बात पर कहा सुनी हो गई। इसके बाद शिव प्रकाश ने चाकू से अपना गला काट लिया। फिर उसने महिला पर भी चाकू से वार किए, जिससे वो घायल हो गई। हालांकि आस पड़ोस में रहने वालों ने दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात कही है। पीड़िता अपने पति के साथ रहती है, उसका पति एक बिल्डर के यहाँ सुरक्षा गार्ड है और महिला फेज 2 स्थित एक कंपनी में काम करती है। नई दिल्ली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए बंटी कुमार की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के तसीमो कस्बे में एक निजी क्लिनिक में बुखार से पीड़ित युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के शव को सैपऊ थाने ले जाकर प्रदर्शन किया और क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की। मामला यूं है कि तसीमो गांव निवासी समीर सिंह को कई दिन से बुखार आ रहा था, जिसे आज सुबह निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर धर्मवीर तोमर के यहां भर्ती कराया और उसकी गलत दवाएं देने से मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद निजी चिकित्सक धर्मवीर तोमर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण शव को लेकर थाने आ गए, जहां ग्रामीणों ने आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शव को कब्जे में लेकर आरोपी चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए संतोष राजपूत की रिपोर्ट। फिर दो कोई दवाई को भेज रही है, फिर दो कोई तो कहीं के नहीं के गरम ले जा पे तारे दे के नहीं बाको अपनी दुकान लगी दो कोई आई तो ना भाई खत्म ही मिलो। शाम से हल्का सा बुखार था, सुबह डॉक्टर बलवीर वो डॉक्टर धर्मवीर के पास ले गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और लगभग 10-12 बोतल चढ़ा दी और लगभग 4-5 हज़ार रुपये ले लिए। और ये उसकी माँ उसके पास थी, उसे बताता रहा कि अभी सही है, लेकिन वो लगभग 2 बजे ख़त्म हो गया और उसे उसके घर पे अपनी मोटरसाइकिल से जाकर पटकाया। सुमीर सिंह सनो भगवान सिंह कुशवा तसीम को लेकर थाने पर आए और उन्होंने बताया कि इसकी कल बुखार आया था, आज सेपो प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया था, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। तो वो डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तो इसकी दवाइयों से रिएक्शन होने से इसकी मृत्यु हुई है, जिसकी लाश को ले जाकर धौलपुर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाए। अस्पताल में उपचारधीन एक नव विवाहिता किरण पुत्री वेद प्रकाश गांव लखनपाल की तरफ से पुलिस के पास दर्ज करवाए बयान के मुताबिक उसकी शादी करीब 6 महीने पहले दीपक पुत्र सीताराम गांव डोलड़वाड़ जिला लुधियाना के साथ हुई। उसने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज की और मांग को लेकर मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त उसका ससुर उसके साथ अश्लील हरकतें करता। पीड़िता ने पुलिस और प्रेस दोनों से अपील की कि उसको इंसाफ दिलाया जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। नूरमहल से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए प्रकाश पंत की रिपोर्ट। नगर के सबसे घने इलाके भगवान चेक जनता नगर में दिन दहाड़े एक 70 वर्षीय NRI की निर्ममता पूर्वक तेज धार हथियारों से हत्या कर दी गई, जिस कारण पूरा इलाका दहल उठा और सनसनी फैल गई। NRI की पत्नी, 2 बेटे व 2 बेटियां पेरिस में रहते हैं।
पुलिस इसे कारोबारी रंजिश मानकर इस हत्याकांड की जांच कर रही है। मृतक एनआरआई की पहचान जगजीत सिंह के रूप में हुई है। वो यहाँ अकेला रहता था। उसका भगवान चेक में कलसी धर्म काटा था। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी का काम करता था। पुलिस ने मौका मुआयना किया तो बाथरूम से लेकर बेडरूम तक शव को घसीटे जाने के निशान थे। जगजीत के सिर पर तेज धार हथियारों से 2 बार वार किए गए हैं। यह हत्या लूट के लिए नहीं की गई, बल्कि इसमें पुरानी रंजिश ही सामने आ रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाएगा। जगजीत के बेटे के यहाँ आने के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लुधियाना से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए दिनेश ठाकुर की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में पढ़ने गई पंजाबी छात्रा की बेरहमी से हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए मृतका छात्रा के पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि इस साल के मई माह में मृतक छात्रा परमीता के पति मनदीप सिंह ने ऑकलैंड के कॉलेज में चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया था। मनदीप को परमीता पर किसी और के साथ प्रेम संबंध होने का शक था, जिस कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। परमीता पंजाब के मलोट जिले की रहने वाली थी, जबकि मनदीप मोगा का रहने वाला है। वॉशिंगटन से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए लियूश की रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग के चलते देवर ने भाभी व खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। देवर भाभी के अवैध संबंध को लेकर गांव में पंचायत भी हो चुकी है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रातः महेंद्र तथा उसके पुत्र मिंटू को गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने घर में जाकर देखा, जिस पर सुनील ने ललिता को गोली मारकर खुद को गोली मार रखी है, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घटना स्थल से पुलिस को 2 खोखे तथा 1 तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस को मृतक सुनील की जेब से 1 खोखा तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। शामली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए मनीष की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मुरद नगर इलाके में सूदखोरों से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। 28 साल का हिमांशु शर्मा यूपी पुलिस में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, जो फिलहाल मेरठ पुलिस लाइन में तैनात था। घटना की छानबीन में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें हिमांशु ने अपनी मौत का जिम्मेदार 4 लोगों को ठहराया है, जिनसे उसने 7.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। सूदखोरों के दबाव में 28 साल के हिमांशु ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 7.5 लाख रुपए के लिए सूदखोरों ने हिमांशु की माँ से जबरन मकान की रजिस्ट्री का एग्रीमेंट करा लिया था और इसी के आधार पर मकान पर कब्जा करना चाहते थे। गाजियाबाद से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए पंकज ठाकुर की रिपोर्ट। मेरठ में आज फरार चल रहे एक बदमाश को पकड़ने के लिए दबिश देने पहुंची बरेली जनपद के सिरोली थाना पुलिस के एसओ समेत दरोगा को बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह पीटा और उन्हें जख्मी कर दिया। घायल एसओ को मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल मार्च महीने में बरेली का एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए आज बरेली के थाना सिरोली पुलिस मेरठ में दबिश देने पहुंची। तभी बदमाश की और वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मेरठ से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए सचिन भारती की रिपोर्ट। मनी माजरा में एक व्यक्ति का पेड़ से लटका शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने प्राथमिकी जांच में कहा है कि कपड़ों से व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति ने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रखे हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। छानबीन के बाद पता चलेगा कि व्यक्ति कौन और कहां का रहने वाला है। चंडीगढ़ से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए सपना अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम जोन पिंजौर के वार्ड नंबर 5 की हिमशिखा कॉलोनी में 11वीं कक्षा की छात्रा ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस के अनुसार गांव पंचरुखी जिला पालमपुर हिमाचल प्रदेश निवासी बलदेव सिंह ठाकुर अपनी पत्नी सपना ठाकुर, बेटी शिफाली व बेटे जतिन के साथ हिमशिखा कॉलोनी के मकान नंबर 628 में 2 वर्ष से किराए पर रह रहे थे।
शेफाली ने रात के समय खाना खाया और अपने कमरे में सुबह पेपर की तैयारी करने के लिए पढ़ रही थी, जबकि उसकी माँ व भाई दूसरे कमरे में सो गए। जब सुबह जतिन ने शेफाली को उठाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। पड़ोस के लोग भी वहां पहुंचे और दरवाजे को तोड़ दिया। जब अंदर देखा तो शेफाली फंदे से झूल रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पिंजौर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए कांता मिश्रा की रिपोर्ट। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद सनसनी ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कौन कैद है ये आपको देखना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिए और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं सनसनी ऑफ इंडिया। पायरेटेड सीडी का धंधा, खुलेआम चल रहा है ये धंधा, ना कोई खौफ ना कोई डर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस धंधे की जो खुलेआम चल भी रहा है और उसे रोकने तक की कोशिश नजर नहीं आ रही है। दरअसल पायरेटेड सीडी का धंधा सरासर एक जुर्म है, लेकिन इस पर गौर करने के बजाय इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। खुलेआम बाजारों में, सड़कों के किनारों में इस धंधे ने अपना डेरा सा जमा लिया है। आइए हम आपको ले चलते हैं वहां जहां बड़े पैमाने में ये धंधा चलाया जा रहा है। ये है दिल्ली का सबसे पॉश इलाका नेहरू प्लेस, जहां सभी तकनीकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। लेकिन यही इन्हीं सब के बीच चल रहा है पायरेटेड सीडी बेचने का धंधा। दरअसल जो सीडी अच्छी और नामी कंपनियां तैयार करती हैं, उसी सीडी की पायरेटेड कॉपी बाजार में बड़े ही आसानी से सस्ते दामों में बेच दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, नेहरू प्लेस के इस मार्केट में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन शायद ये सिर्फ दिखावे के लिए ही लगाए गए हैं,
इतना बड़ा अपराध कानून की नाक के नीचे चल रहा है। डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। बाजार में आपको महंगी और नामी कंपनी की सीढ़ी अच्छी खासी सस्ते दामों में बिकती हुई नजर आएंगी। आप साफ साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बिना डर के ये धंधा तेजी से चल रहा है। नेहरू प्लेस में इन दिनों खुलेआम पायरेटेड सीढ़ी का धंधा चल रहा है। ये देखिए दुकानदार कैसे आवाज लगा लगा कर ग्राहकों को महंगी सॉफ्टवेयर की पायरेटेड कॉपी सस्ते दामों में बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें ना कोई पुलिस का डर है ना तो कानून का खौफ। इन सब से परे होकर ये खुलेआम चला रहे हैं पायरेटेड सीडीज की दुकान। इन सब को रोकने के लिए बनाए गए कानून का भी कोई असर नजर नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस धंधे के बढ़ावे में पुलिस की मिलीभगत शामिल है, वरना पुलिस अब तक इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाई। पुलिस की इस लापरवाही के चलते इनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्राहक सस्ते दामों में मिल रही सीढ़ी को खरीदकर इसका पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि वो भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आते हैं। हमारे देश में पायरेटेड सीडी बेचना और खरीदना दोनों ही एक अपराध है, लेकिन पुलिस की लापरवाही और अनदेखी से इस धंधे को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। यही कारण है कि ये धंधा एक बड़े पैमाने में नेहरू प्लेस और इसके आसपास फैल चुका है। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, आखिर कहाँ सो रही है पुलिस। आखिर पुलिस इस धंधे को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। आपको यह हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें व्हाट्सएप पर बता सकते हैं अपने सुझाव। और हाँ, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपके आसपास हो रही वारदात को आप अपने कैमरे में कैद कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650854621। जी हाँ, अब मैं ब्रजेश चंद्र आप लोगों से चाहता हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय इसी चैनल पर। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।